नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटेस प्राइम के इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनआईएसएम के बारे में कि एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको आप कैसे दे सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कैसा उसका पेपर रहता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, कितनी फीस है, क्या प्रोसीजर फॉलो करके आप दे सकते हो। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अगर आपको एनआईएसएम का एग्जाम देना है खुद के लिए, खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर फाइनेंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी एनआईएसएम का एग्जाम मैंडेटरी है। अगर फिनांस में आप कहीं भी एंटर होना चाहते हो तो बेसिक लेवल पे आपको जो एग्जाम की जरूरत पड़ती है वो है एनआईएसएम का एग्जाम। एनआईएसएम का एग्जाम बिल्कुल नेसेसरी होता है क्योंकि एनआईएसएम एक सेबी रजिस्टर्ड संस्था है, सेबी बैकेड संस्था है। तो कोई भी अगर फाइनेंस में अगर करियर बनाना चाहता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए रिसर्च एडवाइज़र, या किसी ब्रोकरेज फर्म में आप काम करना चाहते हो, जो कुछ भी, तो आपको ये एनआईएसएम के एग्ज़ाम बिल्कुल नेसेसरी है। और अगर आपको इसमें फाइनेंस में करियर नहीं बनाना है, आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना है, खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो खुद के लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। कोई ज़्यादा फीस इनकी होती नहीं है, बहुत कम, एक नॉमिनल फीस पे ये एग्ज़ाम होते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इन एग्ज़ाम को करवाने के लिए। तो फर्स्ट आपको क्या जाना है, एनआईएसएम की साइट पे जाना है, यहाँ से आपको किस टाइप का एग्ज़ाम करना है वो सेलेक्ट करना है। डेरिवेटिव का है, रजिस्ट्रार आरएनटी एजेंट का एग्ज़ाम देना है, म्यूचुअल फंड का देना है, ऑपरेशंस में डिपॉजिटरी का एग्ज़ाम देना है, मर्चेंट बैंकिंग में आपको एग्ज़ाम देना है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में देना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में देना है, बहुत सारे एग्जाम ये करवाता है एनआईएसएम। तो बेसिक लेवल के एग्जाम आपको अगर देखना है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का आप एग्जाम दे सकते हो, वो काफ़ी इजी भी है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आप एज ए करियर उसको बना सकते हो क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, एमपी के साथ रजिस्टर्ड करना होता है ये एग्जाम पास करने के बाद। और एमपी आपको एआरएन नंबर देता है, यानी कि एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर। एआरएन नंबर लेने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड की जो एएमसीज है अपने इंडिया में, जितनी सारी एएमसीज है, उनके किसी भी रेगुलर म्यूचुअल फंड को आप बेच सकते हो और वहाँ से एक पैसिव इनकम कमा सकते हो, आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो ये सारे एग्जाम होते हैं। सपोज कीजिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का देना है तो इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि इस एग्जाम की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, 100 नंबर का एक एग्जाम होता है, 50% पासिंग मार्क्स कम से कम लाना पड़ता है, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 3 साल की, इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद आपको वापस से एग्जाम देना पड़ता है या इसको रिन्यू करवाना पड़ता है वापस एग्जाम देके। उसके बाद कोर्स की फीस रहेगी 1500 रुपये, बहुत कम फीस होती है इसमें। ये स्टडी मटेरियल भी आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ता, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपको स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाती है। और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, मैंने ये बहुत सारे एग्ज़ाम इनमें से क्लियर किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल इनका है और बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा इन एग्ज़ाम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यह स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद करिकुलम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और टेस्ट आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पे भी कर सकते हो, एक प्रैक्टिस टेस्ट पे आपको के एग्ज़ाम कैसा रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। स्टडी मटेरियल जो है दोस्तों, इसको आपको बाय करना नहीं होता है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड करते हो तो डेफिनेटली एनआईएसएम आपको एक पीडीएफ बुक ऑटोमेटिकली दे देगा, फ्री दे देगा, अगर आप एग्ज़ाम के लिए एनरोल करते हो 1500 रुपये दे के। तो स्टडी मटेरियल अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड फॉर एनरोल, एनरोल करने के बाद प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको क्या जाना है, ये रजिस्ट्रेशन विंडो आएगा, यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करते ही ये कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, जैसे कि पैन कार्ड का स्कैन कॉपी जेपीजी में लगभग 1 MB से कम होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, आधार कार्ड का स्कैन होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये सब है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ये फिल करके जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, फोटो, आधार और पैन कार्ड, ये अपलोड करना है, ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना है। जब आप ये पूरी डिटेल सबमिट कर दोगे तो उसके 2 दिन या 3 दिन के समथिंग आप मान लो तो 3 दिन में आपकी प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। प्रोफाइल एक्टिवेट होने के बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको जो भी मेजर सिटीज़ है आपके आसपास, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ पे एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है और
आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, एनरोलमेंट यहाँ से कर सकते हो। जितने भी अपन ने यहाँ पे देखे थे कोर्स सर्टिफिकेट किसका, वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएंगे एनरोल करने के बाद। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो किसका एग्जाम आपको देना है, उसको सेलेक्ट करके आप प्रोसेस कर दोगे। प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट मांगेगा ये 1500 रुपये का, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद आपका हैंड टू हैंड एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, और NISM का जो एग्जाम है उसका शेड्यूल हर मंथ में लगभग 2 डेट अवेलेबल होती है हर जगह पे। अगर आपके नज़दीक जो सेंटर है, सेंटर की डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हो, NISM के सेंटर कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये मैप में आप देख सकते हो, NISM की साइट पे ये सेंटर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो हर मेजर सिटी में इनके सेंटर है, और हर सेंटर पे आप महीने में 2 तारीख पे इनके एग्जाम अवेलेबल है। टाइम काफ़ी कंफर्टेबल टाइम है, लगभग दिन में आप 9 बजे से लेकर 12 बजे, 12 से 3, 3 से 6, किसी भी टाइम में आप यहाँ एग्जाम दे सकते हो, जो भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे। और हर महीने में इनके एग्जाम होते रहते हैं बार बार। अगर आप इस महीने में आप कर सकते हो तो अगले में कर सकते हो, अगले से अगले में कर सकते हो। हर महीने में 2 डेट पे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम सेंटर है उन एग्जाम सेंटर पर NISM के एग्जाम होते हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ है। और काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, सब स्टडी मटेरियल ये देते हैं। उसके बाद एग्जाम होने के बाद एग्जाम का हैंड टू हैंड रिजल्ट आ जाता है वहाँ पे आपकी, जब आप सबमिट करोगे, आखिरी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आखिरी क्वेश्चन जब सबमिट करोगे और एग्जाम को फिनिश करोगे तो रिजल्ट शो हो जाएगा वहाँ पे कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। हर एग्जाम का एक अलग प्रोसीजर है, वो आप करिकुलम में देख सकते हो कि किसमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बहुत से कोर्सेज में होती है, बहुत से में नहीं होती है। तो सबसे बेसिक जो एक सिंपल एग्जाम है वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का काफ़ी इजी एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50% पासिंग मार्क चाहिए और ज़्यादा सबसे बेसिक एग्जाम है ये। उसके बाद जो रिसर्च एनालिसिस का उससे टफ है, डेरिवेटिव का उससे टफ है, तो ये बाकी टफ बाद में है। सबसे ईजी एग्जाम है म्यूचुअल फंड का, वो आपको देना चाहिए। तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, 2 या 3 दिन 4 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी आ जाता है और आपके घर पर भी सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है NISM का। उसके बावजूद भी आपको NISM के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और भी कुछ करना हो तो मैंने ये सारे बहुत सारे इनमें से लगभग जो मेजर एग्जाम है वो मैंने दिए हैं, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। तो बहुत सारे एग्जाम का मुझे भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे इनके एग्जाम होते हैं, काफ़ी अच्छा इनका स्टडी मटेरियल है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इनके एग्जाम होते हैं। और इन एग्जाम की जो मान्यता है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो इसकी जो वैल्यू है काफ़ी क्रेडिबल है, काफ़ी मानी जाती है फाइनेंस मार्केट में। तो ये था पूरा वीडियो। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है, कोई आपके प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।